अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद अलीज़े। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही लजीज आसान रेसिपी के साथ चिकन टिक्का मसाला। ये रेसिपी बहुत ही लजीज बनती है, आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक पूरा और एक आधा चिकन, और उसमें मैंने एक चम्मच जो है भर के टिक्का मसाला डाला, फिर उसमें एक आधा चम्मच जो है छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्च का डाला, फिर इसमें एक चम्मच ज़ीरा डालेंगे, फिर उसके बाद हमने इसमें आधा चम्मच हल्दी डालनी है और आधा चम्मच ही हम पिसा धनिया डालेंगे। तो हम इसमें मसाले डाल रहे हैं ये सिर्फ चिकन के लिए है, और फिर हमने इसमें एक चम्मच जो है वो नमक का डाला है और थोड़ी सी 1/3 टीस्पून हमने पिसी हुई मिर्च डाल दिया, और आधा कप इसमें दही का डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे घंटा दो घंटा जितना भी आपको ठीक लगे आप इसे मैरिनेट कर लें, क्योंकि जितना मैरिनेट हुआ हुआ होगा चिकन उतनी आपकी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का डाला ऑयल में, ऑयल आप ले लें 1-2 डोंगी। फिर उसमें हम सारा ये चिकन अपना डाल देंगे। चिकन डाल के हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए, ठीक है, हो गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, भुनाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, भुनाई बहुत अच्छी तरह होगी। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी उतनी आपके चिकन जो है वो उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और वो मज़े का भी बनेगा। फिर मैंने ये एक पैन में जो है ऑयल ले लिया, और ये हमारा जो चिकन था उसको मैं फ्राई कर लूँगी ताकि वो हमारा जो है टिक्का वाला जो स्टाइल है वो आ सके। इसको हमने अच्छी तरह 5 से 10 मिनट एक साइड पे करके, क्योंकि चिकन हमारा गला हुआ है इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस आपने तेज़ आंच पे जो है इसको फ्राई करना है। 5 से 10 मिनट लगेंगे, हमारा सारा चिकन हो जाएगा। ये देखें कितनी अच्छी तरह हमारा चिकन ऊपर से रेड रेड हो गया। बिल्कुल इसी मेथड से हम सारा चिकन जो है जितना हमारा चिकन था उसको हम फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको उसी पैन में आप घी ऑयल निकाल दें और उसको कोयले की धुनी दे दें और इसको साइड पर हम रख देंगे, ठीक हो गया। फिर मैंने उसी देगची में 2 बड़े साइज़ के प्याज, उनको मोटा मोटा काट लिया। कि वो मोटा मोटा इसलिए काटा है क्योंकि मैंने इसे ग्राइंड करना है, हमें खड़ा खड़ा प्याज नहीं चाहिए। ये देखें ये हल्का सा नरम हुआ है, तो मैंने इसको टमाटर के साथ ही मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये मेरे 8 टमाटर इसमें मैंने डाले थे और 4 हरी मिर्चें और आधा कप दही जो है वो मैं अलग से डाल दी, और प्याज भी मैंने इसी में ग्राइंड करके डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको चीज़ों की क्वांटिटी, अगर आप ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों की इतनी क्वांटिटी परफेक्ट रहती है। अच्छा, फिर मैं इसमें जो है 1 चम्मच, जब हमने मसाले में ज़रा सा स्पाइस डालना है तो 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। अच्छा, यहाँ नमक डालने से पहले वो जो हमारा चिकन को फ्राई करते हुए हमारी मैरिनेशन बची थी वो हमने इसमें डाल दी है। फिर हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे, इसको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा स्पाइस कम लगा था तो फिर मैंने इसमें जो है 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च का भी डाल, कुटी हुई मिर्च के साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया था थोड़ा सा। फिर हम बस इसको भूनेंगे, और भुनाई बहुत अच्छी तरीके से होगी हमारी। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही आपका सालन जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। चलें, जब तक हमारी बुनाई हो रही है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना। हल्दी डाल दी है हमने, और फिर उसके बाद जो है हमारा जो चिकन था उसको सारा डाल के इसकी दोबारा से थोड़ी सी जो भुनाई की कसर रह गई थी अब वो चिकन को अच्छी तरह कोटिंग करके और भुनाई कर लेंगे। और ये देखें हमारी भुनाई बहुत ही मज़े की हो गई है। फिर हम इसमें जो है पानी डाल के और थोड़ी सी हल्की आंच करके रख देंगे ताकि बोटियां जो हमारी जो फ्राई करने की वजह से थोड़ी सी सख्त हो गई थी तो वो इसमें बिल्कुल नरम हो जाएंगी। तो लें जी, हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला तैयार है। अच्छा, इस रेसिपी की मज़े की बात यह है कि ये जो हम वैसे जो आम मसाले बनाते हैं उससे हमारा जो है चिकन फीका फीका रह जाता है, इससे आपका ये बोटी में बिल्कुल भी फीकापन नहीं होगा।